नमस्कार। मोदी जी द्वारा पूछे गए 10 प्रश्नों में से पहले 9 प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर है और वह है काले धन और आतंकवाद के रोकथाम और समाज के विकास के लिए किए गए 1000 और 500 रुपए के नोट बंदी का यह फैसला बिल्कुल सही और कारगर है। अब आते हैं 10वें प्रश्न यानी सुझाव पर। मेरा पहला सुझाव, आज चाहे अमीर हो या गरीब, लगभग सबके हाथों में मोबाइल है। सरकार को अविलंब अपना मोबाइल वैलेट यानी मोबाइल से पैसे का लेन देन शुरू करना चाहिए ताकि आम जनता को रोजमर्रे की खरीदारी करने के लिए असुविधा न हो, बैंक्स में लाइन न लगाना पड़े और विश्वसनीयता भी कायम रहे। किसी भी प्राइवेट हाथों जैसे पेटीएम, ऑक्सीजन, एम पैसा इत्यादि को मोबाइल वैलेट चलाने की सुविधा ना दें। बिल पे करने तक तो इनका उपयोग ठीक है, पर आम जनता के बीच मुद्रा चलन के लिए ये प्लेटफॉर्म आगे जाकर लोगों के हित में नहीं रहेगा, क्योंकि पैसे के बदले में लोगों को आंकड़ा ही तो देने होते हैं इन्हें, जो एक दूसरे के बीच अंकों में ही घूमता रहता है। बहुत कम ही लोग बैंक ट्रांसफर लेते हैं। जैसे नोट छापने का अधिकार सिर्फ RBI के पास है, उसी प्रकार मोबाइल वैलेट का भी अधिकार सिर्फ सरकार के पास ही हो। दूसरा सुझाव, टैक्स सिर्फ एक हो और वो है किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन टैक्स, चाहे बैंक ट्रांजेक्शन हो, ई वैलेट हो, मोबाइल वैलेट हो या किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन। ईमानदार लोग निडर होकर व्यापार या नौकरी कर सके और अपने साथ साथ देश को भी आगे ले जा सके। सरकार का सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और ऐप आधार कार्ड के थ्रू हमारा सारा हिसाब किताब खुद रखे, हमें अपना बही खाता संभालना ना पड़े और ना ही CA को डर कर ढेर सारा फीस देना पड़े। इनकम टैक्स अधिकारी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमारी मुश्किल आसान करने के लिए हमसे मिले। ऑटो टैक्स रिटर्न फाइल हो और हम खुद भी सरकार के वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड टाइप करके अपना पूरा खर्चे और टैक्स का डिटेल देख सके। तीसरा सुझाव, भारत बेरोजगारी का दंश झेल रहा है और चाइनीज सामान हमारे दिनचर्या में शामिल होते जा रहा है। इससे बचने के लिए सरकार को चाहिए हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर को तरह तरह से आर्थिक और तकनीकी मदद देकर उन्हें आगे बढ़ाना और इन प्रोडक्ट्स को MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा देश और विदेश में भेजना। आज देश में तकरीबन 15 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में MLM बिजनेस से जुड़े हैं, पर फेक कंपनीज और मनी रोटेशन वाली इलीगल कंपनीज की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। MLM एक सशक्त टूल है जो बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ करोड़ों लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है, बशर्ते सरकार इस पर ध्यान दे। चौथा सुझाव, किसी भी वाहन के नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ बार कोड का भी स्टिकर देना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान एडवांस टोल टैक्स के रूप में 2000 से 10000 रुपए ले लेने चाहिए ताकि किसी भी टोल नाके पर टोल जमा करने के लिए लाइन लगाना ना पड़े। हर टोल गेट पर बारकोड स्कैनर हो और जैसे ही गाड़ी वहां से गुजरे वह अमाउंट उस वाहन के टोल जमा राशि से कट जाए। महंगाई कम होगी क्योंकि इससे समय की बचत के साथ साथ ईंधन की काफी बचत होगी और साथ ही बारकोड की वजह से गाड़ियों की चोरी काफी हद तक रुक जाएगी। पांचवा सुझाव, शिक्षा अनिवार्य और सस्ता करने के साथ साथ क्लास 8 से हर एक स्टूडेंट के कैलिबर और इंटरेस्ट को देखते हुए किसी एक रोजगार परख यानी जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट को अनिवार्य करना चाहिए और 50% एजुकेशन टाइम इसी पर देना चाहिए। कुछ सुझाव और भी हैं पर नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगे तो शेयर करें ताकि सरकार तक यह बात पहुंचे।